और बात बाजार की करें तो लगातार 3 दिन से गिरावट जारी है। आज भी बाजार में भारी गिरावट नहीं रही और निफ्टी ने इंट्राडे में 10,550 का निचला स्तर छुआ। हालांकि आखिरी घंटे में बाजार में निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी जरूर देखने को मिली। छोटे मझौले शेयरों की जोरदार पिटाई हुई। कारोबार खत्म होने पर सेंसेक्स 109 और निफ्टी 35 अंक की गिरावट के साथ बंद हुए। कैपिटल गुड्स, आईटी, रियल्टी, फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा बिकवाली रही। आज के कारोबार में तेल गैस इंडेक्स को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स लाल निशान में बंद हुए। और अगले लोकसभा चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत मिलने की उम्मीद नहीं है और बाजार ये बात जानता है। ये कहना है मॉर्गन स्टैनली के हेड ऑफ इंडिया इक्विटी रिसर्च रिदम देसाई का। उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की जी बिजनेस मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी ने। बड़ा सवाल रिदम सर जो मेरे लिए आता है वो ये आता है कि फिर बाजार क्या रेंज बाउंड्री रहने वाला है, छोटे दायरे में ट्रेड करता रहेगा या फिर एफआईएस की बिकवाली के दम पर टूटेगा, या घरेलू फंड चूंकि सपोर्ट दे रहे हैं, घरेलू पैसा बाजारों में आ रहा है तो तेजी होनी चाहिए, होगा क्या सर ये बताइए, बाजार का डायरेक्शन क्या रहेगा फिर? ये क्रिस्टल बॉल गेजिंग का काम बहुत ही खतरनाक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ये रेंज बाउंड मार्केट है। इलेक्शन का माहौल है और मार्केट को एक भय है कि अगली जो सरकार है उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नहीं मिलेगी, तो जब तक प्राइस इन नहीं हो जाता है तब तक मुझे लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा। ये मेरा बेस केस व्यू है। लेकिन एक जो फर्क है, पिछले 3 सालों में अगर आप बाजार को देखिए तो जो वॉलिटिलिटी थी वो कम थी, तो एक चीज मुझे तय लग रही है कि जो आगे जाके वॉलिटिलिटी है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। तो बेस केस में हमें नहीं लग रहा है कि मार्केट ज़्यादा ऊपर नीचे होगा, लेकिन वॉलिटिलिटी ज़रूर बढ़ जाएगी। सर आपकी रिसर्च टीम सेंसेक्स निफ्टी के लिए अपने टारगेट्स तय करती हैं कि हम अगले 1 साल, 1.5 साल, 2 साल में ये टारगेट्स लेकर चल रहे हैं, इस बार आपकी रिसर्च टीम के क्या टारगेट्स हैं सर? अगले जून के लिए हमने 36,000 का आंकड़ा रखा है सेंसेक्स पे, लेकिन जैसे मैंने पहले कहा था कि इस सेंसेक्स के फोरकास्ट में बड़ा रेंज है, तो ये ऊपर भी जा सकता है 20%, नीचे भी आ सकता है, क्योंकि माहौल ऐसा है इलेक्शन को लेके, ऑयल को लेके काफ़ी अनसर्टेनिटी है, तो रेंज थोड़ा बड़ा है। और हमेशा से सेंसेक्स में मूवमेंट तो होती आई है, लेकिन पिछले 3 साल में उतनी मूवमेंट आई नहीं है जितने पिछले 30 साल में आई है, तो मुझे लग रहा है कि जो पिछले 30 साल का एवरेज है वो हो सकता है अगले 12 महीने में वो आ जाए, तो काफ़ी मूवमेंट हो सकती है सेंसेक्स में, लेकिन जो बेस केस टारगेट है वो 36,000 है। ऐसे कौन से पॉकेट्स हैं बाजार में, सेक्टर्स हैं जो आपको महंगे दिखते हैं, जो अगर बाजार कमजोर होगा गिरेंगे तो हाँ ये महंगे, ये गिरने में आगे रहेंगे? तो हम कंज्यूमर स्टेपल्स में अंडरवेट है, वहां पे वैल्यूएशंस काफी रिच है। मुझे अभी भी फार्मास्यूटिकल्स में नहीं लग रहा है कि तेजी आएगी, राइट, तो वो सेक्टर पे भी हम थोड़े अंडरवेट है। हमें लग रहा है कि कॉर्पोरेट बैंक्स अब टर्न अराउंड होने शुरू हो जाएगा, क्योंकि एनपीएल साइकिल हमारे पीछे है। रिटेल बैंक्स जो है उनका कामकाज ठीक है, तो वहाँ पे ठीक है। इंडस्ट्रियल्स पे हम अभी रिसेंटली और तेजी में आ गए हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि प्राइवेट कैपेक्स वापस आ रहा है, और जो डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन जिसे कहते हैं जैसे ऑटो स्टॉक्स, वहाँ पे अच्छा है क्योंकि डिमांड ठीक ठाक चल रहा है, तो वहाँ पे अर्निंग्स ग्रोथ ठीक रहेगा। और रेल यात्रा के दौरान अगर आप भारी भरकम लगेज लेकर चलने के आदी हैं तो एक खबर आप ज्यादा ध्यान से देखेगा, क्योंकि रेल सफर में अगर आप लिमिट से ज्यादा सामान ले जाते हैं तो आपको जुर्माना भरना पड़ सकता है। रेलवे ने नियम तो पहले से बना रखे हैं, लेकिन अब इन्हें लेकर सख्ती की जा रही है।